बेटू नहा के आ गया, नाई नाई कर लिया बेटू, नाई नाई हो गया हूँ। मजा आया आपको? मजा आया आपको? नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी। स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। आज जी बहुत दिनों बाद मौका मिला है सुबह सुबह घूमने का, तो सुबह सुबह हम घूमने आ गए और साथ में एक और को लेते आए हैं, और वह कौन है दिखाते हैं आपको। तो देख सकते हैं ऊपर लाए हुए अपने बाबू को, और ये मजे में पापा के साथ खेल रहा है ना बाबू, मजा आ रहा है ना। ताजा ताजा हवा लेते हुए, मॉर्निंग वॉक करते हुए। तो यह जो है सुबह सुबह ही 4 बजे के करीब लगता है उठ गया था यह, और 4 बजे उठने के बाद से यह खेल रहा है। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30, तो कुछ देर यहाँ खेलेगा यह, फिर जानते हैं वैलिडिटी इसका ख़त्म होगा खेलने का, फिर कहेगा हमें ले चलो नीचे, तो फिर नीचे कॉल करेंगे इसके दादी को, फिर दादी बुलाएंगी अपने पोता लाल को, है ना, है ना, है ना। ऊपर से आ गए जी हम लोग नीचे, अब बारी है इसके मालिश की, तो जल्दी से बाबू अब करवाएगा मालिश, है ना। मालिश करवाने के बाद जो है अपना भोजन करेगा, भोजन करने के बाद चले जाएगा अपने दादा दादी के पास, फिर वहाँ खेलेगा। ओके, हाँ, फिर तुमसे जो हम लोग फ्री हो जाएंगे तब हम चलते हैं मार्केट, आज मार्केट से लाते हैं फल। तो जी हमारा हो चुका है नहाना, और नहा करके हम हो गए तैयार जी, अभी अपने काम धाम में लगी है, और हमारा बाबू भी उधर डर चुका है, और हमें जाना है जी बाहर। जी हाँ, आज हम जा रहे हैं कुछ काम है। हमारा जो पुचका है ये जग गया है, पुचका पुचका अपने से पलट गया था। कैसे पलटा हमको भी नहीं, ऐसे किया ऐसे पलट गया। वाह, कोई बात नहीं बेटा, एक बार पापा के सामने भी पलटना है, ठीक है। पापा को देखना है, मुझे जो मुझे टाइम देता है मैं उसको टाइम देता हूँ, पापा भी बहुत टाइम देता है। ठीक है चलते हैं, बाय। 3 hours later बाबू, अभी बज रहे हैं 4:00 और हमारा बाबू जो है उठ गया है और खेल रहा है एकदम। सोफा का यह जो कवर है इसको खींचता रहता है, और यह इसका खेल है यहाँ पर। बाकी से बातें करती रहिए, और जरा सा भी दूसरी जगह गए इसे बात करना छोड़ दिया, भाई साहब जो तहलका मचाएंगे, ज़बरदस्त तहलका मचाएंगे। फिर देखो मुँह से थूक निकल रहा है, गंदी बात। बाबू जो है पैर अपना यहाँ पर मार के पीछे जाने की कोशिश करता है ना। और यहाँ पर चल रही है जी घर की सफाई, तो लगभग सब कुछ अरेंज हो चुका है अंदर भी, आप देख सकते हैं घर का बिल्कुल नक्शा ही बदल गया है। ये टेबल पहले इधर था और अब इधर है, और रूम में देख सकते हैं कितना सारा स्पेस हो चुका है घर में, है ना। थैंक्स टू मी, थैंक्स टू मी। आज जी सभी को मन कर रहा है पोहा खाने का, तो पोहा का जो भी सामान है वो जा करके ले आते हैं, पास में ये दुकान है। दिक्कत कैसे चूड़ा अंकल, कितना हुआ अंकल? 80 हो गया, 2-3 महीना ले लिया जी सारा सामान। और मौसम अभी बड़ा अच्छा है, ऐसा ही मौसम दिन भर रहे तो क्या मजा रहे, लेकिन गर्मी है जबरदस्त गर्मी, लग ही नहीं रहा है कि सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में इतनी गर्मी भाई साहब, और बारिश भी होती है लेकिन कभी कभी, ऐसे नहीं कि रेगुलरली बारिश हो रही है। ये लो जल्दी से बना दो गरम गरम पोहा। 2 hours later सभी का हो गया जी खाना, खाना खाने के बाद जो है मम्मी पापा और सभी लोग जो है नीचे चले गए हैं, और जी अपना बाबू के साथ वहाँ पर खेल रही है, दोनों जमीन पर लेट गए, और उसके बाद वहाँ जो है दूध गर्म हो रहा है, तो जल्दी से दूध लाते हैं, दूध पियेंगे फिर चलेंगे सोने। ये हो गया जी दूध गर्म, बर्तन तो गर्म है, कोई कपड़ा लेना पड़ेगा। नेक्स्ट डे अभी बात यह है जी दिन के 12 और समय हो चुका है बाबू के नहाने का, पहले जो है जल्दी से हम जो है खाना खा लेते हैं, उसके बाद उसको नहाना होगा फिर अपना भी होगा। दीदी मेरा भी खाना लगा दो तो। 1 hour later बाबू का हो गया है नहाया हुआ, है ना। हाँ हो गया ना, हाँ हो गया, ठीक है। अब बाबू को लग रहा है पाउडर है, बाबू हो जाएगा एकदम बिल्कुल चमकेगा, बाबू चमकेगा, बाबू है ना। अभी बज रहे हैं जी दोपहर के 1, तो जल्दी से जाकर के थोड़ी देर का नींद ले लेते हैं जी। मुश्किल से नींद होता है 30 से 40 मिनट का, नहीं कहते पावर नैप, तो बस वही एक पावर नैप लेते हैं, उसके बाद उठ जाते हैं। और आज जो है सो रहे हैं दूसरे वाले रूम में, आगे वाले रूम में जो है इतनी तेज गर्मी लगती है कि पूछिए मत, बहुत ज्यादा हीट रहता है उधर। तो यहाँ पर एक चौकी लगा हुआ है, इसी चौकी पर जो है जिया और बाबू दोनों मिल करके सो रहे हैं, और मैं वहाँ पर अपना चटाई बिछा करके सो जाऊंगा। मुझे आप ही बोले कि तुम लोग इस पे सो जाओ, हम तो बोल ही रहे थे नीचे सोते हैं। नहीं ठीक है, हम ऊपर सेठ साहब को ऊपर सोने दो। सेठ साहब को हेलो बोल दो, हेलो कैसे हो आप लोग, कैसे हो आप लोग, बोलो। इसको भूख लगी है।
अभी जो कुछ देर पहले आप देख रहे थे मार्केट का सीन देख रहे थे जी, अभी हम गए हुए थे मार्केट, अपना जो गाड़ी का जो वाइजर था उसको चेंज करवाना था। गाड़ी का हुआ क्या था जी, एक जगह खड़े रखे थे गाड़ी, स्टैंड जो है थोड़ा सा खिसक गया। और वह खिसका क्यों, क्योंकि जहाँ पर हम रखे हुए थे वहाँ पर मिट्टी था बालू वाला, तो नहीं कहते हैं भूस्खलन हो जाना, वही हो गया वहाँ पर और सीधा गाड़ी जो है गिर गया नीचे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। फिलहाल जो है जी हम आ गए हैं घर और यहाँ पर टीवी ऑन कर दिया, एक मूवी देख रहे हैं, ऑस्कर अवार्डेड मूवी है। कौन सी मूवी है बताएंगे आपको कुछ देर बाद। The next day. अभी बज रहे जी सुबह के 8:10 और बाबू जा चुका है नीचे अपने दादा दादी के पास। दिया यहाँ पर सब्जी की तैयारी कर रही है, सब्जी काट के दे देगी। इसकी सब्जी हम बनाएंगे। बोल की? हाँ। बोल के तो वैसे कह रही है कि मैं सब्जी काट करना हम बनाएंगे, तो उसने जब तक माँ आए तब तक बना। हो गया जी पपीता काटा हुआ, कुछ पपीता जो है नीचे दिया है और कुछ पपीता जो है यहाँ पर रखे हैं। तो जल्दी से नाश्ता करते हैं और जाते हैं, कुछ फल भी लाना है। और आज जो है धूप थोड़ी कम है तो फल ला सकते हैं, वरना बाकी सब दिन धूप इतनी तेज रहती है कि उसकी वजह से हम बाहर निकल नहीं पाते और कुछ भी आता नहीं है घर में। बेटू नहा के आ गया, नाई नाई कर लिया बेटू, नाई नाई हो गया। मजा आया आपको? मजा आया आपको? शर्मा रहे हो आप। हमें निकलना था जी मार्केट, और जैसे मार्केट निकलने जा रहे थे बारिश शुरू हो गई है। हम बारिश को थमने ही देते हैं, उसके बाद चलते हैं। फाइनली जी बारिश से कुछ राहत मिली है, और इधर तो लग रहा है बारिश हुई भी नहीं है, उस साइड ही हुई है। तो सीधा चलते हैं मार्केट, मार्केट से कुछ फल उठाते हैं, बहुत दिनों से नहीं लिए थे। कैसे पपीता? 60 अच्छा लग रहा है। कैसे लगाइएगा? 50 लगाइए। पूरा थोड़ी पका हुआ दीजिए। कैसे भैया केला? एक दर्जन दे दीजिए। 16 को है, रहने दीजिए। नाशपाती ये वाला इसी में थोड़ा कम कर देते, ले लेते 1 किलो लेते, बहुत रेंज है। 160 लगा दीजिए। 80 चलिए ठीक लगा दीजिए। केला और एक में कर दीजिए, समझिए दो पन्नी चढ़ा दीजिए। हाँ लटका के हम जी आज झोला लाना भूल गए, वो बहुत बड़ी गलती की। ये बहुत सारा और भी फल लेना था हमें, बाकी फल को जो है आप नहीं ले रहे हैं। और जो बाइक का डिग्गी है, डिग्गी में भी सामान नहीं रख सकते क्योंकि डिग्गी का चाबी है नहीं, बीच में चाबी खो गया था। तो आगे वाला लॉक का तो चाबी बन गया था, डिग्गी का नहीं बनवाए, तो इस वजह से ऐसा सिचुएशन हो गया है। कोई बात नहीं, घर चलते हैं, कल सुबह जाएंगे मार्केट, उस समय ले लेंगे सारा सामान। बस डर है बीच में यहाँ सब टूट के गिर ना जाए, फल नीचे गिर जाएगा बेइज्जती हो जाए। हाँ बस बढ़िया। क्या हुआ? चलिए थैंक यू। कहाँ पर घर आपका? इमरजेंसी कॉलोनी। चलिए अच्छा लगा, देख रहे हैं फल वल थोड़ा टंगा हुआ है, कब गिर जाए कोई ठीक नहीं। चलिए जी सारा सामान तो आ गया।